नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद है अंता कस्बे के नीलखंड कॉलोनी के अंदर, जहां पर नगर पालिका प्रशासन के द्वारा सघन बस्ती के बीच में सीवरेज टैंक और कचरा प्लांट बनाने की योजना है। आपको बता दें कि ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं, ये वो जगह है जहां पर पालिका प्रशासन के द्वारा सीवरेज टैंक बनाया जा रहा है, कचरा प्लांट बनाया जा रहा है। आपको इस वार्ड के निवासी भी वीडियो के अंदर नजर आ रहे होंगे। इधर पास में ही मेघवाल समाज का छात्रावास भी है और ज़्यादा दूरी पर नहीं, 50-60 मीटर की दूरी पर ही इधर बस्ती भी है जिसके अंदर वार्डवासी निवास करते हैं। ये पूरा नज़ारा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। इधर पास ही की बस्ती है जिसमें यहाँ पर ये लोग निवास करते हैं, जो इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को निरस्त कराने के लिए इन्होंने SDM महोदय के नाम ज्ञापन दिया, लेकिन किसी प्रकार की कोई उपयुक्त कार्यवाही नहीं हुई है, तो इससे ये लोग खफा है। और अब ये जो है जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन देकर ये जो कचरा प्लांट है इसको निरस्त कराने के लिए तत्पर है। जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये अंता से बिशनखेड़ी की ओर जाने वाला मुख्य मार्ग है और सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये है मेघवाल छात्रावास। और इसी छात्रावास के नज़दीक जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है, ये ज़मीन आपको सामने नज़र आ रही है, इस ज़मीन के अंदर ही नगर पालिका प्रशासन के द्वारा जो है सीवरेज टैंक और कचरा प्लांट बनाने की योजना है। हम आपको दिखा दें वीडियो के माध्यम से, इधर इसके जो पास में है वो बस्ती है और जहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, जब बरसात के अंदर यहाँ पर पानी आएगा तो इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ सकता है। ये आप वीडियो के माध्यम से देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर पालिका प्रशासन के द्वारा सीवरेज टैंक और कचरा प्लांट लगाया जाएगा। और ये जो सामने नज़र आ रहा है आपको, ये है मेघवाल छात्रावास। ये रास्ता है, ये अंता से बिशनखेड़ी मार्ग की ओर जाता है और सामने ये बस्ती भी आपको दिखाई दे रही है। मैं अंता से प्रेम शंकर शांत। नमस्कार साथियों, इस वक्त आप देख रहे हैं मातृभूमि न्यूज़ और हम मौजूद हैं जिला मुख्यालय बारा के अंदर, जहां पर अंता से कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या कुछ मामला है, किस तरह के किस मामले को लेकर आज इन्होंने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है, आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश गोडाला है, मैं वार्ड नंबर 2 नीलकंठ कॉलोनी का निवासी हूँ और हम सभी पूरे वार्ड के वासी इस कचरा प्लांट का पुरजोर विरोध करते हैं। आने वाले समय में अगर ये कचरा प्लांट यहाँ पर स्थापित होता है तो पूरे वार्ड के अंदर महामारी और बीमारियाँ फैलने का अंदेशा है, इसलिए शासन प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि इस कचरा प्लांट को यहाँ से अन्यत्र स्थापित किया जाए। अगर ये कार्रवाई अगर अतिशीघ्र नहीं की जाती है तो हम यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे। 5 दिन का अल्टीमेटम हम शासन प्रशासन को देते हैं। इस मामले में आपने स्थानीय उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? हमने उपखंड अधिकारी के नाम भी ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप नगर पालिका के माध्यम से जाकर के इसको निरस्त करा सकते हैं, लेकिन वहाँ से भी हमें निराशा मिली। नगर पालिका प्रशासन ने अपने आप से पल्ला झाड़ लिया है और उन्होंने पूरे घटनाक्रम को सेंट्रल गवर्नमेंट का बता करके अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब हम जिला कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और यहाँ हमने ज्ञापन दिया है, अगर हमारी मांगे 5 दिन के अंदर पूरी नहीं की जाती है तो भीम आर्मी के बैनर तले हम उग्र प्रदर्शन उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश गोडाला, जिला महासचिव भीम आर्मी 12 राजस्थान। तो ये थे जिला महासचिव भीम आर्मी से राकेश गोडाला जी, जो उस जी। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश गोडाला, जिला महासचिव भीम आर्मी 12 राजस्थान। तो ये थे जिला महासचिव भीम आर्मी से राकेश गोडाला जी, जो उस वार्ड के स्थानीय निवासी भी है। उस वार्ड के ही कुछ और व्यक्ति हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, आइए उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? राजकुमार, वार्ड नंबर 2। जिस प्रकार से ये आपके जो वार्ड है उसके अंदर कचरा प्लांट लगाया जा रहा है, तो इसके लिए क्या कुछ प्रयास अभी तक आपने किए हैं? जैसा भी हुआ, जैसा किया मैंने, जैसे नगर पालिका भी गए हैं, HDO साहब के पास भी गए हैं, जिला कलेक्टर साहब के पास भी आए हैं, ज्ञापन दिया। अब आगे से और करेंगे अगर नहीं होगा तो।
अगर मान लीजिए ये अगर इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है और कचरा प्लांट उसी स्थान पर लग जाता है तो कितना नुकसान वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ सकता है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि बस्ती के बीच में बना रहे हैं वो, तो बस्ती के बीच में तो ऐसे बनने कौन देगा, ऐसे हम सब आंदोलन करेंगे। जिस जगह पर सीवरेज कचरा प्लांट लगाया जा रहा है वहाँ पर एक तरफ तो मेघवाल समाज का छात्रावास है, दूसरी तरफ जो है बस्ती के लोग वहाँ से सटे हुए हैं और एक आम रास्ता भी वो बताया जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे साथ में कुछ और जुड़े हैं जी, आपका नाम क्या है? बाबूलाल जी। जो पालिका प्रशासन द्वारा जो आपकी बस्ती के अंदर जिस प्रकार से वो सीवरेज और कचरा प्लांट लगाया जा रहा है, क्या कहेंगे उसमें? उसमें बोलेंगे कि बीमारियाँ आएगी, अभी तो कुछ भी नहीं है, पानी गिरते हैं बहुत बीमारियाँ फैलेगी, इसमें तो आदमी नहीं रह सकेगा वहाँ। ठीक, क्या नाम है? बाबूलाल जी। तो ये थे हमारे साथ में बाबूलाल जी। तो हम आपको दिखा रहे थे ये रिपोर्ट 12 जिला मुख्यालय से, मैं रिपोर्टर प्रेमशंकर शांत, मातृभूमि न्यूज। हमारी मांग है पूरी करो, नगर पालिका प्रशासन हाय हाय, नगर पालिका प्रशासन हाय हाय, कचरा प्लांट निरस्त करो निरस्त करो निरस्त करो, सीवरेज टैंक निरस्त करो निरस्त करो निरस्त करो, कचरा प्लांट निरस्त करो निरस्त करो निरस्त करो, नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, अंत पालिका प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हमारे अंता नगर पालिका के